पंतनगर गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी में आज बड़ी संख्या में एकत्रित छात्र छात्राओं ने यूनिवर्सिटी अस्पताल के आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अस्पताल के गेट के बाहर धरना दिया। वहीं धरना दे रहे छात्र छात्राओं का आरोप है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन बीते 7 दिनों से लगातार पीड़ित छात्रा को न्याय दिलाने के बजाय आरोपी डॉक्टर को बचाने में लगी हुई है। इधर मामले को लेकर राज्यपाल के पंतनगर आने के ठीक पहले छात्र छात्राओं के द्वारा धरने पर बैठने से यूनिवर्सिटी पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। वहीं धरने पर बैठे छात्र छात्राओं को समझाने बुझाने की यूनिवर्सिटी प्रशासन, सुरक्षा विभाग तथा पुलिस प्रशासन की ओर से स्वयं एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने भरपूर प्रयास किए, लेकिन आक्रोशित छात्र आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी किए बिना धरना स्थल से उठने की बात पर अड़े रहे। आपको बताते चले, उधम सिंह नगर के एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने बताया कि आरोपी को पकड़ने के लिए 5 टीमें गठित की गई थी, यूपी, गढ़वाल और अन्य जगह की में की गई थी। आरोपी डॉक्टर को रुद्रपुर हल्द्वानी टाटा बैरियर के समीप गिरफ्तार किया गया है। छात्र छात्राओं से उन्होंने धरना प्रदर्शन समाप्त करने का अनुरोध किया है। अनुरोध पर छात्र छात्राओं ने धरना खत्म भी कर दिया है। मामला है, हम रेप विक्टिम का साथ देने के लिए बैठे। एक लड़की है जो हमारे साथ पढ़ने वाली फाइनल ईयर की एक लड़की है, मेरी दोस्त है, मेरी रूममेट है, तो उसका साथ देने के लिए हम आज यहाँ आए हैं। उसके साथ 8 दिन पहले यहीं इसी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल पीछे देख रहे होंगे, यहीं पे उसके साथ गलत काम किया है, गलत काम भी किया, प्रॉपर अटेम्प्ट टू रेप था ये, जो उसके साथ यहाँ पे रेप है, बिल्कुल ये रेप है, मतलब ये उसके साथ किया गया यहीं इसी हॉस्पिटल में, और उसके खिलाफ डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 8 दिन तक प्रोसीजर के नाम पे कि हाँ कुछ कार्रवाई करेंगे करेंगे करके ये सब होती रही, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उसका साथ, लड़की का साथ देंगे, हम लोग यहाँ बैठे अपना पेपर छोड़ के, हम सबके पेपर हैं, सब अपना अपना पेपर छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं कि बस हमें जस्टिस चाहिए, हमें और किसी से कुछ मतलब नहीं है, कोई बात नहीं करनी है, बस एडमिनिस्ट्रेशन ने जो गलत किया है वो सही हो और हमें जस्टिस चाहिए, इस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।